लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जिबूती पुलिस के पकड़ने के बाद वो मेरे को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहां पर मैं उनको यही समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं बस खुद को ही रिकॉर्ड कर रहा था, नथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। बट जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जिबूती में पुलिस ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फाइन चार्ज कर लेती है, वो बहुत कोशिश करते हैं कि उनको कोई रीज़न मिल जाए। बट फाइनली जब उनको ऐसा कुछ फुटेज नहीं मिला, वो मेरे से वीज़ा और अदर डॉक्यूमेंट्स पूछने लगे, जिसका शायद कुछ रिलेशन भी नहीं था। एंड शायद मेरा दिन अच्छा था एंड लकीली उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। तो यहाँ पर आई एम जस्ट टॉकिंग हिंदी माई लैंग्वेज, यहाँ पर ये अहमद मिले मेरे को, कम से कम इंग्लिश आती थी, तो ये बस मेरे को ऐसे थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं यहाँ पर। वेयर आई कैन रिकॉर्ड यू राइट, आई कैन रिकॉर्ड यू, दैट इज सोमाली लैंड, बॉर्डर ऑफ सोमाली लैंड, दैट इज येमेन राइट, I think that is also Djibouti. Yeah, exactly. And from there, how much is the kilometer for Yemen? I'm not sure. Yeah. No, actually, I'm a tourist here. I want to go to Somaliland after here. What for? Yeah. Touristic. Yes, yes. Your name? Ahmed. Ahmed. Yeah, nice to meet you. AKA Chap Chap. Chap Chap? AKA Chap Chap. what does this Chap Chap mean? I used to sell a lot of cocaine in Vancouver. Okay. Cocaine. Cocaine means? Chopped cocaine. Okay, okay. I got charged with 10 keys, man. I'm bringing from Mexico, man. Yeah, man. Okay. I got charged in the border, Western Seattle. Oh, from where can I find cut here? Yeah, just across the street. Street? Yeah. ये इंसान बड़ा सही था, इसने मेरे को खाद के बारे में बताया। अगर आप लोगों ने इसके पहले YouTube पर दूसरे अफ्रीकन सीरीज़ देखे होंगे किसी और के, तो आपको पता होगा खाद क्या होता है। खाद एक काइंड ऑफ एडिक्टिव ड्रग है जो यहाँ पर यूजुअली ईस्ट अफ्रीका में ज़्यादा फेमस है। खाद बहुत लोग खाते हैं, यमन में भी बहुत लोग खाते हैं, और इन शॉर्ट ट्रेडिशन है यहाँ पे। मतलब जब भी लोग फ्री होते हैं यहाँ पर लोग खाद चबाया करते हैं, और खाद से उनको एक अलग सा हाई मिलता है। मोस्टली अगर मेरे को चांस मिलेगा तो मैं पक्का दिखाऊंगा, या तो अगर कोई चांस नहीं मिलता तो मेरे होटल में जो ओनर है वो बड़े स्वीट है, इंग्लिश भी आता है, तो शायद उनसे मैं आपको दिखाऊँ कि खाद कैसा होता है। पत्ता ऐसा होता है एंड उसको चबाने से एक अलग काइंड ऑफ हाईनेस आती है। एनीवेज ये है रेड सी, और अगर आप उस तरफ क्या बोलते हैं उस तरफ देखोगे तो उस तरफ कहीं पे यमन है और इस तरफ कहीं पर सोमाली लैंड है। He will drop me near Djibouti College. Djibouti College. Djibouti College. Station youth. Okay. 400, 450. Yeah. This from here. Let's cut the last part. Thank you. Shukran. वो यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी टाइप कुछ है, 50 फ्रांस ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक लोकल मिला था, वो सही दाम करके दिया मेरे को। जैसे मैंने आपको कहा कि हाथ की पांच उंगली एक जैसी नहीं होती है, लोग हर एक जगह अच्छे बुरे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे जो बंदे पीछे बैठे थे लोकल थे वो, और उनको शायद थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती थी, उन्होंने मेक श्योर करा कि मेरे से ज़्यादा ना ले लें टैक्सी वाले। तो आप यहीं पे काम करते हो आप? कब से? ओके सर, 4 इयर्स। अच्छा, नाइस। कहाँ पे हो? इंडिया से? इंडिया, दिल्ली से सर। अरे अरे, बढ़िया सर। मैं तो घूमने आया, कल ही आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से फिर सोमालिया की तरफ जाना। सिंगल है? हाँ, सिंगल ही हूँ मैं। बहुत महंगा यार जिबूटी सर। जिबूटी महंगा है सर।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिबूती बहुत महंगा है। तो अभी मैं यहाँ पर ले सांटे रेस्टोरेंट में आया हूँ लंच करने के लिए, और यहाँ का मैं आपको मेनू दिखाता हूँ, प्राइजेस दिखाता हूँ, और फिर आप बोलना क्या हाल है जिबूती का। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर मेरे होटल में मेरे को बताया था कि यहाँ पर जो कुक है वो इंडियन है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको इंडियंस मिल जाएंगे, बार्बर शॉप्स में, फिर रेस्टोरेंट में भी बहुत सारे, फिर मतलब काम करने वाले भी बहुत सारे, यहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पे इंडियन है कुक, तो स्पेशली मैं यहाँ पे आया। और यहाँ का आप मेनू देखो, ये है सारा मेनू इंडियन डिशेस का, जिससे कि आप कंपेयर कर पाओ। चिकन तंदूरी इज़ अराउंड 1800 जुबर्टी इन फ्रांस, और बटर चिकन अराउंड 2100। तो इन शॉर्ट ये कुछ भी 800 रुपए से नीचे का नहीं है। और बटर चिकन 2100 इज़ अराउंड बोल सकते हो 1200-1300 रुपए। मुझे नहीं पता इसमें क्या डालने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। तो कुछ भी ले लो आप, इसमें 700-800 के नीचे कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। रजन भाई यहाँ पे काम करते हैं, तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जो मेरे को कल से मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। आप इंडियन हो तो शायद आप अच्छे से समझ पाओगे, यहाँ महंगाई बहुत है आप बोल रहे हो, ठीक है, और यहाँ गरीब भी बहुत है। बिल्कुल जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बताओ कि जो कमाने वाले लोग हैं वो बहुत है, या फिर जो लोग की कमाई होती है उससे हो जाता है सब कुछ? जो लोगों से जो कमा रहा है ना उससे गुजारा कर लेते हैं, जो नीचे वाला नीचे तबके का आदमी लोग हैं उसके लिए मतलब गुजारा हो रहा है। अच्छा, इतना ही में। अच्छा, बाकी गरीबी जो है कि बहुत है यहाँ। क्योंकि मैं अभी कल से देख रहा हूँ, मतलब छोटे छोटे बच्चे तो यार आ जाते हैं मांगने के लिए, और वो एयरपोर्ट से ही हो रहा है, जब से एयरपोर्ट में मैं लैंड किया हूँ तब से ही हो रहा है। तो मेरा ये बस ये था कि अगर इतनी महंगाई है तो फिर लोग तो यार बहुत मुश्किल से रह रहे होंगे यहाँ पर। सस्ते में भी है लोग। अच्छा, एक चाय फुलुंग खा के भी अपना गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, चाय पी के जो गुजारा कर लेते हैं। और ये खाद का क्या सिस्टम है? खाद जो है कि यहाँ का, जैसे इंडियन एक वो होता है ना कि जैसे इंडिया में दारू की, सही सही सही, पर यहाँ जो है उसके बदले यहाँ वो कत जो होता है। अच्छा, ये मतलब इनको चाहिए। अच्छा, नहीं वही देख रहा हूँ, रस्ते रस्ते में, मतलब हर एक छतरी लगाया और खा रहे हैं, किसी कोने में बैठेंगे बस वहीं बैठे बैठे खाते रहेंगे, पूरा दिन गुजारा कर लेते हैं उससे। अच्छा, और उससे अच्छा भूख नहीं लगती? उससे भूख नहीं लगते हैं, या पता नहीं इनका जो है कि हैबिट बना हुआ है ना। अच्छा, कि खाना अगर ये खाना छोड़ देंगे पर वो कात जो है इनको चाहिए। अरे बाप रे, ऐसा है? तो मतलब उससे फिर नशा वगैरह होता होगा? हाँ, थोड़ा नशा होगा। तो कात जो बोल रहे हैं, हाँ बोल रहा हूँ मैं, ये खाना ये लोग एक टाइम के खाना छोड़ देंगे पर कात नहीं छोड़ सकते। जिसके पास पैसा है समझ लो निकालेंगे, कात सबसे पहले उनके लिए वही है। अच्छा अच्छा, खाना बाद में, अच्छा बाद में, पहले उनके लिए। चलो चलो, धन्यवाद राजन भाई। तो ये है खात जिसके बारे में मैं राजन भाई से बात कर रहा था रेस्टोरेंट में। पूरा दिन यहाँ पर लोग यही चबाते हैं। इसको ये पत्ते को मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसा होता है। कैन आई टेस्ट? यस यस। ये थोड़ा कड़वा कड़वा है, अपन नॉर्मल पत्ते जैसा ही है, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। बट इसको यहाँ पर लोग घंटे घंटे तो चबाते हैं, और चबाने के बाद इससे इनको हाई आती है। एक पत्ते से तो भले कुछ नहीं होगा, घंटों तक चबाना पड़ेगा इसको, और ये यहाँ पे लोगों का मतलब रेगुलर पास टाइम होता है यहाँ पे। तो गाइज, आई एम फाइनली बैक टू माई होटल, और अभी लंच करके आया मैं। राजन भाई के हाथ का खाना बहुत बढ़िया बनाया था उन्होंने। अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप वहाँ पे जाओ, इरेस्पेक्टिव द प्राइस, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मिनिमम वही यही पे करना पड़ेगा। कहीं पर भी जाओ आप, थोड़ा महंगा है जैसे वो भी बता रहे थे आपको। और अगर आप रहने के लिए पूछो तो होटल हॉट सीट इज़ द बेस्ट अकोमोडेशन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये चीज़ राजन भाई से भी कंफर्म करी, वो भी यही बता रहे थे कि इससे सस्ता शायद ही कहीं पे मिल सकता है, सबसे सस्ता यही है, अराउंड 2500 रुपीज़ पर नाइट। और ये अगर चेंज होता है तो फिर मुझे ज़रूर ये कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई जा रहा हो। एंड बैकपैकर्स फ्रेंडली होटल या फिर हॉस्टल तो भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पर हार्डली वो टूरिस्ट आता है, और ये एक आर्मी बेस है गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप जब फर्स्ट टाइम
मतलब फ़्लाइट से लैंड करोगे, आपको प्राइवेट एयरलाइंस ज़्यादा डिफेंस की एयरलाइंस मिलेंगे, जैसे US आर्मी या फिर चाइनीज़ आर्मी के एयरक्राफ्ट मिलेंगे आपको बड़े बड़े। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें अपना व्यूज़ कि आपका ओपिनियन क्या है जिबूटी के बारे में, और अगर ऐसा कुछ है जो मैंने मिस कराया तो उसको भी ज़रूर कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। एंड टिल देन खुश रहे, अपने आस पास के लोग खुश करिए, एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।